सो गाइस, यहाँ पर मैं दिया को रेडी कर रही हूँ स्कूल में ले जाने के लिए, और उसे मैं कपड़े पहना रही हूँ यहाँ पर। और उसको मैंने ना गाउन पहनाया है जो उसको उसकी नाना ने बर्थडे पर गिफ्ट करा था, वही ये गाउन है। और ये गाउन बहुत ही प्यारा है एकदम, इसमें दिया डॉल लगती है। और उसमें मैंने नहलाया था तो उसके मैं सर पर चंपी कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि बाल एकदम रुक रुके से ना लगे, इसी के लिए यहाँ पर मैं उसको ऑयल लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ नकली जूड़ा आर्टिफिशियल बन, तो वो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसके कौन सा सही लगेगा। एक्चुअली मैं ये मैंने दीदी की शादी पर बाय करी थे तो बस यहाँ पर वही है। और दिया के काफ़ी बाल उलझ गए थे, और दिया आप लोग देख सकते हैं कि मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो वो कोई चीज़ निकाल लेती है, उसको बहुत ज़्यादा शौक भी है मेकअप का। तो वो आज कह रही मम्मी मेरी लिपस्टिक लगेगी, मेरी ये लगेगा, मैंने हाँ लगेगा। आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेकअप करना, और वो डांस करने के बहाने से बहुत ही अच्छा मेकअप भी करवा लिए। तो मैं ये देख रही थी वो कौन सा अच्छा लगेगा जूड़ा, तो उसके मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला लगा दे रही क्लेचर वाला। और देन मैं उसकी छोटी मैंने भाभी को लाया ना, भाभी देखो दिया कैसी लग रही है। सो भाभी देखने आ गई है यहाँ पर और मैंने सुंदर लग रही है। तो भाभी और मैं बातें करते जा रही हूँ, दिया को मैं रेडी करती जा रही हूँ यहाँ पर। अब मैं दिया का करूँगी मेकअप, और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि इधर साइड से करूँ उधर साइड से करूँ क्योंकि हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर दिया का मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, देन मैं उसको है ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप टैप टैप करके सॉरी डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। और देन मैं उसके यहाँ पर आई शेडो लगा रही हूँ, और आप पहले स्किन कलर का लगाइए। मैंने लेकिन मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, मैंने पर पिंक कलर का आई शेडो लगा दिया था डायरेक्ट, लेकिन पहले आप इसे इसका बेस आईज का बेस लगाइए, पहले आईज का बेस कंप्लीट करिए, चाहे वो बिल्कुल स्किन कलर का भी यूज़ करिए। अब मैंने यहाँ पर स्किन कलर का यूज़ करा है, देन अब मैंने यहाँ पे मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट यूज़ करिए। आप चाहें तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो वाला यूज़ करिए, मैंने यहाँ पर मिस गोल्ड की करी है। देन मैंने यहाँ पर पिंक कलर की, देन फिर मैं अब यहाँ पर इस पर पिंक कलर का यूज़ करूँगी। अब आप पहले मैंने स्किन कलर का करने के बाद पिंक कलर का यूज़ करा है। मैंने व्हाइट कलर के आई शेडो से यहाँ पर उसकी नोज़ और थ्रेडिंग की शेप दी है क्योंकि वो छोटी है यहाँ पर। देन मैं सिवान्या का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करा है ताकि उसकी जो यहाँ पर गाउन है उससे दिखे। और देन मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लाइनर शायद ब्लू हेवन का है, और एक बार लाइनर तो दिया ने ख़राब कर लिया था क्योंकि दिया की है ना आँख खोल ली थी दिया ने, वो छोटी है तो वो जानती नहीं है उसे तैयार करना, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी कीड़ है। तो मैंने उसे लिटा लिया, मैंने आप लेट जाओ देन मैं तैयार करूँगी आपको। सो देन यहाँ पर मैं आई शेडो के बाद मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ हल्का हल्का गालों पर, नोज़ पर और चिक एंड लिप के ऊपर फोरहेड पर। और अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मम्मी दिया बोल रही है मम्मी अब मेरी लिपस्टिक लगेगी, मैंने कहा हाँ। तो मैं यहाँ पर उसकी लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि एसक्यू की कंपनी की है, शेड नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा है बट एसक्यू की है। और यहाँ पर मैं उसकी हल्की सी बस इसी से, मैं पहले सोच रही थी बिंदी कौन सी लिपस्टिक से लगाऊँ, फिर देन मैंने सोचा इसी से लगा दे रही हूँ बिंदी, और मैं ईयरिंग्स इसके बना दूँगी इसी से तो अच्छे भी लगेंगे और इसकी बिंदी भी लगेगी। तो यार मम्मी अब मेरे हो गई, मैं तैयार हो गई, मैंने हाफ तुम तैयार हो गई, बस इतना सा ही मेकअप करा था दिया के मैंने। मैं पहले इसकी मैं आई शेडो आईब्रो सॉरी मैं इसकी कर्ल कर रही थी, मैं इसकी कर्ल कर रही थी आई लैसेस को, बट हुई नहीं। देन दिया रेडी हो गई है और आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी डॉल लग रही है। नीचे कमेंट करके बताइएगा दियो कैसी लग रही है। और दिया यहाँ पर अपनी अपनी पोज दे रही है, यहाँ पर बोल रही थी मम्मी मैं करके देखूँ आप कैसे करती हो। दिया का जूड़ा भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो बिल्कुल एक डॉल लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है दियो। और उसका गाउन भी बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है बट उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो चीज़ दिलाओ बच्चों को तो ऐसी दिलाओ जो बच्चे पहने तो अच्छे लगे, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है दियू के ऊपर। सो देन फिर हम लोग आ चुके हैं स्कूल, और यहाँ पर हो रही है सरस्वती वंदना, तो यहाँ पर बच्चे सरस्वती वंदना कर रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे छोटे छोटे बच्चे डांस करते हुए। और उसके बाद बच्चों के बाद हुआ था यहाँ पर
जो यहाँ पे दीयू बैठी हुई है बच्चों को सम्मान, जो वहाँ पे वो आते हैं क्या बोलते हैं उनको, गेस्ट लोग आते हैं स्कूल की तरफ से, तो उनका फिर वहाँ पर सम्मान होता है। और यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं, जो गजवन पानी में चली है, पानी ले चली है शायद, मैं तो भूल जाती हूँ गाने का नाम, उस पर डांस कर रही है ये लड़की। बहुत ही प्यारे डांस किया था इसने भी, डांस तो सभी अच्छा करते हैं। फिर दीयू का डांस आएगा, तो दीयू के डांस में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हुआ था, मुझे खुद से नर्वस फील हुआ था, और कोई करता तो होता पर मुझे खुद से नर्वस फील हो रहा था। देन यहाँ पर ये सम्मान वगैरह हो रहे हैं बच्चों के, जो कि फ्रॉग रेस में, बच्चों ने फ्रॉग रेस में पार्टिसिपेट करा था, तो ये फर्स्ट या सेकंड आए थे। तो यहाँ पर इन लोगों को मेडल्स दिए जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रॉग रेस में। शायद ये नर्सरी क्लास के थे, शायद ये LKG के थे, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को एक सम्मान दिया था, तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती है। देन यहाँ पर वही किया जा रहा है उनके साथ। क्योंकि डांस की बोलूँ तो बच्चों ने बहुत ही प्यारा प्यारा डांस किया था, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही जल्दी एकदम अरेंजमेंट हुआ था, 2 से 3 दिन में। और दिया ने तो सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करी थी, और मुझे डर लग रहा था वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में कर रही थी, सो इसी के लिए। बट उसने जैसा करा ये आपको आगे मिल जाएगा देखने को। सो गाइज, मुझे कुछ नाम लेने थे, वही मैं लूँगी। CK कोठारी करके था एक नाम, प्लीज़ अपने नाम बता दी आखिरी, ताकि मैं अच्छी तरह ले पाऊँ। सेकंड था सुमिता रियल ब्लॉगर CJ, भावना विशिष्ट, रणवीर सिंह, प्रिया दहिया, संगीता गौतम, लकी शर्मा, रिद्धि राय, कंचन शर्मा, और बिंदास फ्री एंजॉय, और शमा अंसारी। तो ये मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए दिया का डांस आ गया है, सो यहाँ पर दिया डांस कर रही है अपने स्टेज पर, तो उसे बहुत अकेली डांस कर रही थी, तो उसे बहुत शर्म लग रही थी, वो छोटी सी गुड़िया है तो बिल्कुल अकेली थी, प्लस फर्स्ट टाइम डांस कर रही थी, तो थोड़ा सा शर्मा रही थी। और उसके सामने मैडम खड़ी हो गई थी, तो उसे और ज़्यादा ही डर लग रहा था। देन इसी के लिए वो दिया कर तो रही है, और उसका जो गाउन था ना, वो उसे पहन कर वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी घूमने में, तो क्योंकि उसका गाउन बड़ा था, आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन वो परी लग रही थी। और उस पर लहंगा नहीं था, वैसे उसको ही इस गाने पे लहंगा पहनना था, मैया यशोदा गाना था, उसे इस गाने पे लहंगा पहनना था, देन उस पर लहंगा था नहीं, सो मैंने उसे गाउन पहनाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गाउन खरीदूंगी उसके लिए, वो सॉरी लहंगा खरीदूंगी उसके लिए, तब जाकर वो और अच्छा डांस करेगी। हाँ, तो बस यहाँ पर वही है। तो ये डांस कर रही है मैया यशोदा पे, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, आप कमेंट करके बताना। और काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी, तो जिसकी वजह से गार्जियंस वगैरह सब परेशान हो गए थे, और पता नहीं था कि इतनी तेज़ धूप निकलेगी, वैसे तो बादल सा था। तो देन यहाँ पर दिया बहुत अच्छा डांस कर रही, जितनी वो छोटी है ना उससे तो अच्छा ही करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर मैडम उसकी जा रही है, ताकि उसका जो गाउन है वो सही कर दें, क्योंकि उसका गाउन नहीं कर पा रही थी वो डांस गाउन को करके। तो उसकी मैडम है, ये उसी की क्लास की है शायद, तो वही गाउन सही कर रही है उसका, वो बहुत छोटी है, उस हिसाब से वो अच्छा कर रही थी डांस, और मैम भी देख रही थी कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देन उसने अकेले के हिसाब से बहुत अच्छा करा, क्योंकि बच्चे ग्रुप में भी अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन दिया ने अपने अकेले के अकॉर्डिंग में बहुत बहुत अच्छा करा। और मैं उसे आधी, भले उसे कोई प्राइज़ वगैरह नहीं मिल पाया था तभी तक, मैं उसे घर पर ले आई थी, क्योंकि उसको ट्यूशन की तैयारी करनी थी, ट्यूशन का काम करना था, याद करना था। देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पर घर पे आकर कुछ बनाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर।
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी है हम लोग को सो ये जो बच्चे हैं दिया की क्लास के हैं और देन यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं फिर भी दिल हिंदुस्तानी पर और मैम सामने खड़े होकर डांस करा रही हैं सिखा रही हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो प्रैक्टिस थी 2 से 3 दिन की थी तो बच्चे इतने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश करी बहुत अच्छा डांस करा इसी के लिए और यहाँ पर ये कमली कमली गाने पर डांस कर रहे थे तो मैंने थोड़ा ही थोड़ा शूट कराया है क्योंकि ज़्यादा शूट करते फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं इसी के लिए मैंने थोड़ा ही थोड़ा शूट कराया था और बच्चों ने जितने हिसाब से डांस किया था बहुत ही अच्छा किया था। एक प्रोग्राम और किया था व्हाट्सअप फेसबुक के बिना मन नहीं लगता और परिवार वालों को भूल जाना है वो बहुत ही ज़्यादा मोरल स्टोरी थी उसकी वो भी बहुत अच्छी थी। और देन ये लास्ट प्रोग्राम है बच्चों का मैयाशुदा पर ये भी कर रहे थे दिया के साथ के बच्चे हैं वही मैयाशुदा पर ही कर रहे थे। तो बस यहाँ तक ही मेरा जो बच्चों का डांस प्रोग्राम था वो है और अब मैं जाऊँगी घर पर क्योंकि घर पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो इसी के लिए मैं चलूँगी घर पर। मैं चलिए फिर आप लोगों को घर से मिलती हूँ घर पर पहुँच कर। सो देन यहाँ पर मैं घर पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहे और दिया तो खाना खाए आई थी क्योंकि दिया खाना इसलिए खाई थी क्योंकि उसको मेरी जिठानी की बेटी मिल गई थी और वो उसे ले गई थी मंदिर से वो वहाँ पर खाई आई थी मंदिर में और दी जिठानी की दोनों बेटियाँ जा रही थी तो बोले थी चाची मैं भी ले जा रही हूँ और मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़ोर से क्योंकि मैं वहाँ पर दिया के प्रोग्राम में स्वेटर पहन के नहीं गई थी। मैंने सोचा बहुत तेज़ धूप है तो कोई बात नहीं लेकिन क्या हुआ था धूप तो थी लेकिन रास्ते में ठंड लग रही थी। रास्ते में जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो बस यहाँ पर वही है। और मैं यहाँ पर तेल गर्म कर रही हूँ उसमें मैंने डाल दी है मूँगफली और यहाँ पर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने फिर मोबाइल की फ्लैश से आप लोगों को वीडियो शूट करी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था दिया के स्कूल में बट ये था कि टाइम नहीं था इसी के लिए और मैंने आके तुरंत कपड़े चेंज करे सारा सामान मैं यूं ही डाल गई थी मेकअप वगैरह के क्योंकि टाइम नहीं था सेट करने के लिए लेट हो रही थी। मुझे लगा था कि मैं लेट पहुँचूंगी लेकिन मैं पहुंची थी 11:30 बजे और उन्होंने मुझे 10 बजे बुलाया था लेकिन फिर भी है ना उनका प्रोग्राम स्टार्ट मेरे ही बाद में हुआ था। देन मेरी जो मूंगफली मेरी पक गई थी तो मैंने यहाँ पर डाल दी थी तो रेड चिली सूखी वाली और उसके बाद मैंने राई और हल्दी और यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने। इसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सब्जी मसाला ऐड करा है। चाहे तो आप मैगी मसाला ऐड करिए टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप लोग ट्राई करिएगा। चाहे आपके पास मैगी मसाला मेरे पास था नहीं इसके लिए मैंने ये ऐड करा है और आप चाहें तो मैगी मसाला ऐड करिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं पोहे। देन यहाँ पर मेरे जो टमाटर है वो पक रहे हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा। नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे कुछ करना है लाइफ में और कुछ अपनी बेटी के लिए भी करना है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा तो प्लीज़ करिए ना। तो बस यहाँ पर मेरे पोहे बन जाएंगे मैं पोहे वगैरह खा लूँगी फिर मैं आप लोगों से कल व्लॉग में मिलूँगी। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल। आप भी खा लीजिए पोहे और बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को। तो ये